नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का समीर सर की पाठशाला में। तो दोस्तों आज है 23 जुलाई और मैं आज 23 जुलाई करंट अफेयर लेकर के आप लोग के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। दोस्तों धीरे धीरे मैं आप लोगों को PDF फाइल भी उपलब्ध करा दूंगा, टेलीग्राम पर हो, हर जगह उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप लोग उसे डाउनलोड करके पढ़ाई कर सके, जिसमें आपको बहुत ही सुविधा हो। चलिए देखते हैं आज का 10 करंट अफेयर क्या है। मगर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बगल में बेल आइकन का निशान है, उसे टैप करते हैं, ऊपर ऑल के निशान को जरूर टैप करें, ताकि मैं जो भी अपलोड करूं तुरंत आप लोग तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें और व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सके। अपना आपके सामने लिखा हुआ ICC टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़ कर हाल ही में कौन नंबर वन ऑलराउंडर बन गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने में है, आप तब तक आंसर को सोचें, जवाब दें। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा मैं पढ़ाई को पहले से ज़्यादा रोचक बनाने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ पिक्चर के जरिए, कुछ और भी मैसेज जो होता है, एक GK से कई GK निकल के आता है, मैं हर कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा लाइक जरूर कर दें, जो भी नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे और लाइक करना ही भूल जाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स, जो कि है आपको नंबर ए में। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है दो खिलाड़ियों की, या आप देख रहे हैं दो खिलाड़ी के नाम, एक है आपको जेसन होल्डर और दूसरा जो बेन स्टोक आंसर है, इन दोनों के विषय में मैं बात करना चाहूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि दोनों के विषय में बात करने से पहले कुछ छोटी जानकारी यह है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में बेन स्टोक पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ये स्टोक्स के टेस्ट करियर का पहला कीर्तिमान है दोस्तों। तो इन दोनों के बीच में परिचय देना चाहूँगा दोस्तों। जेसन होल्डर की जहाँ तक ये बात है, जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 5 नवंबर 1991 को ब्रिज टाउन बरबादोस में हुआ था। होल्डर जो है वर्तमान में टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के कैप्टन है, कप्तान है। जहाँ तक बल्लेबाजी की बात है जेसन होल्डर की, तो ये राइट हैंड से खेलते हैं, राइट हैंडर हैं, और इनकी गेंदबाजी की शैली है तो राइट आर्म इनका जो है गेंदबाजी है, जो फास्ट मीडियम दोनों में ही सक्रिय हैं, यानी कि ये ऑलराउंडर माने जाते हैं। अब देखिए सवाल रहा बेन स्टोक के बारे में, तो बेन स्टोक की बात यह है कि ये इंग्लैंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 4 जून 1991, 4 जून 1991 को हुआ था। स्टोक बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं, तो स्टोक को आप लेफ्टी कह सकते हैं बल्लेबाज के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न 2 नंबर का है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो मित्र मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ी चीज़ होती है योजना, और ये किस राज्य से जुड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा क्या है, मुख्यमंत्री घर घर योजना, राशन योजना, और ये किस राज्य से है, ये दो बातें आपको याद करना महत्वपूर्ण होता है। चार ऑप्शन आपके सामने में है दोस्तों, और इसका आंसर हो जाएगा आपको दिल्ली। तो ये घर यानी होम डिलीवरी का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो इसके विषय में आपको बताना चाहूँगा, इस योजना के लागू हो जाने पर लोगों को राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा, सबको घर घर राशन पहुंचाया जाएगा, यानी होम डिलीवरी के तहत गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। योजना के 6 से 7 महीने में शुरू होने की उम्मीद है दोस्तों, और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, ICC के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निम्न में से पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। अब ये लार प्रतिबंध क्या है, सबके लिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लार होता है दोस्तों, तो लार के विषय में मैं विज्ञान से कुछ प्रश्न है कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है माल्टोज, एक होता है टाइलिन। तो ये दोनों भोजन को पचाने में बहुत ही सहायक होता है, तो एग्जाम में जब भी आपको आए ऑप्शन तो टाइलिन को ही आप लोग मारेंगे, मतलब टिकआउट करेंगे, चूंकि टाइलिन ही आपका ऑप्शन में रहता है। तो चलिए विज्ञान की बात भी इसमें हो गई। तो इसमें ICC के लार प्रतिबंध को उल्लंघन करने वाले यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देख लें।
तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डॉम सिल्वे, जो कि आपको नंबर सी में है दोस्तों। तो यहाँ पर डॉम सिल्वे की बात है तो यहाँ इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज, यानी शुरुआत उन्होंने बल्लेबाजी की थी, किन्होंने, डॉम सिल्वे ने गेंद पर लार लगाकर आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया। अब लोगों को पता होगा कि जब बॉल में अक्सर सभी लार लगाते हैं, बॉल को चमकाते हैं, इससे उन्हें ग्रिप मिलती है, सुविधा मिलती है। तो आईसीसी के जब ने कोरोना संक्रमण के कारण इन हरकतों पर प्रतिबंध लगाया था ताकि लार जो है संक्रमण को ना फैला सके। इस प्रकार क्रिकेट की बहाली, यानी कि जब से कोरोना कोविड-19 की बात हुई है, तो बहाली के बाद वे लार का इस्तेमाल करने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यह है चौथा प्रश्न, लिखा हुआ रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 करोड़, जो कि बी में है। यह चार ऑप्शन पहले आप देख सकते हैं और आंसर है नंबर बी में। तो इसके बारे में यह है कि इस मामले में क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमान है, यानी संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अभी शरणार्थी समुदायों की सर्वाधिक मौजूदगी वाले देशों में संक्रमण फैलने में 2 से 4 महीने लगेंगे। तो ये प्रश्न है नंबर 5 का दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न ये उठ के आता है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है, ये भी जान लेंगे हम लोग। इसके अलावा जोरम मेगा फूड पार्क के विषय में भी जान लेंगे और फिर यहाँ पर ये पर भी जानेंगे कि ये उद्घाटन किया जो कि आपको किस राज्य में है। 3 प्रश्न उभर के सामने आते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपको नंबर 3, 4, देखिए 4 ऑप्शनों के सामने में है, लेकिन उत्तर हो जाएगा आपको बी नंबर का, मिजोरम। तो मिजोरम की बात है तो इस बारे में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल, जो कि शिरोमणि अकाली दल से हैं, उन्होंने बताया कि यह पार्क 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अब क्या है। तो प्रश्न है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की। तो यह ए बी सी डी 4 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं भी इसमें दिया हुआ है, पर इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, मनोदर्पण। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि मनोदर्पण है क्या। तो कोरोना की वजह से स्टूडेंट, उनके परिवार और अध्यापक को मानसिक विकास और तनाव मुक्त रखने के लिए विकास मंत्रालय ने वेब पोर्टल टोल फ्री नंबर मुहैया कराते हुए टास्क फोर्स भी गठित की है। जी हाँ, तो इसके लिए मनोदर्पण वेबसाइट बनाई गई है। तो ये जानकारी मिलने के साथ आप ये भी जान गए कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल है, और मनोदर्पण के बारे में भी हम लोग जाने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नंबर 7 का प्रश्न है यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है। तो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इससे आपको काफ़ी सुविधा होगी। तो दोस्तों इसमें है $750 अरब, जो कि आपको 750 अरब यूरो, सॉरी, जो कि नंबर ए में है। यह चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर का। 8वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। तो ये मधुबाबू पेंशन योजना की जहाँ तक बात है तो इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। तो पहले इसमें कुछ मजबूर लाचार लोग थे, वृद्ध व्यक्ति थे, इसमें ट्रांसजेंडर जो थे उन्हें भी शामिल किया गया है। तो इसकी जो है आंसर हो जाएगा
ए नंबर में ओडिशा, लेकिन चार ऑप्शन पहले आप देख लें। तो नंबर ए का हो जाएगा आपको ओडिशा। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी है, करीब 5000 ट्रांसजेंडरों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसकी मंजूरी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दी। तो यहाँ पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम भी पता चला और ये भी पता चला कि किस राज्य ने आपको मधुबाबू पेंशन योजना की शुरुआत की। तो प्रश्न में ये भी आपको पूछेगा दोस्तों कि ये पेंशन योजना किस राज्य की है। तो नंबर नंबर का प्रश्न है, किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपको एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, रावण के उड्डयन मार्ग। और हाल फिलहाल में लॉकडाउन में रामायण भी काफ़ी प्रसिद्ध था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, भारत, चीन, श्रीलंका और नेपाल। तो मेरा जहाँ तक विचार है कि आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। जब रावण की बात है तो कहीं ना कहीं से इसका संबंध श्रीलंका से अवश्य होगा। तो सी नंबर है इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या है। तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों। मैं आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आपको इसके साथ साथ जानकारी देता हूँ विभिन्न वैकेंसियों की, साथ ही BSSC के लिए मैंने काफ़ी फाइट किया था, जिससे PT का रिजल्ट भी आया और काफ़ी लोगों ने, यूट्यूबर ने इसका सहयोग किया था आप लोगों का, और आप लोगों का अब बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग रहा। आपके सहयोग के बिना रिजल्ट नहीं आता, मैं ये सभी प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों ये इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाउ की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चार ऑप्शन आप यहां पर देख सकते हैं, यहां देख चार ऑप्शन देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले ही लीजिए। इसका आंसर है 557 करोड़ रुपए, जो कि है नंबर सी में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमेशा जुड़ा रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही एक लाइक भी कर दें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।